डाई एंड डाई प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले आपको ये क्लॉथ, एनी कॉटन क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का इसके ऊपर कपड़ा जैसा अपन ले रहे हैं पैटर्न बनाने के लिए, ये पैटर्न आप किसी टी शर्ट पे भी, कॉटन टी शर्ट, कुर्ते या फिर दुपट्टे पे आप अप्लाई कर सकते हो। पैटर्न बनाने के लिए मैं आपको एक रुमाल की तरह से बताऊँगी। अगर कॉटन का कपड़ा होगा तो फैक्ट्री ज़्यादा अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आता है। फ्लैट ब्रशेज, स्पंज, फेविकोल एक्रिलिक कलर, रबर, पानी का बॉल लीजिए, थोड़ा सा पानी से सोख करके रुमाल को, ये जो भी आपका क्लॉथ है उसको फिर अच्छे से रखें ताकि उसमें कलर अच्छे से फैलते हैं। इस तरह का एक कॉटन का बैग भी हो सकता है, कैरी बैग भी हो सकता है, उसको भी अच्छा रिजल्ट आता है। कोई भी कॉटन क्लॉथ होगा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टाइम टाइम में सबसे ज़्यादा प्रेफर होता है कि उसका बांधने की टेक्निक, जिस तरह आप बांधते हैं उसी तरह का आपका पैटर्न बन के तैयार होगा। मटेरियल सबसे पहले आप देखिए पैटर्न की वाला बनाने वाले अपन, एक पैटर्न सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से एक ट्रायंगल बना, फिर इसको दोबारा से देखिए दूसरा ट्रायंगल बना, फिर ये तीसरी बार फोल्ड किया, चौथी बार फोल्ड किया, आपको कपड़ा जितना बड़ा है जितना ट्रायंगल बनता है इस तरह फोल्ड करते जाइए, इस तरह से ये शेप बन के तैयार हो जाता है। अब इसको क्या करना अपन को यहाँ पर रबर बैंड लिया, रबर बैंड से उसको फर्स्ट थोड़ा सा उसको प्रेस कर देंगे, सेकंड, थर्ड, कलर्स करेंगे तो उसमें कलर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके पतला पतला कलर मिक्स करेंगे, और ये जो प्योर सुपर वाले कलर आते हैं अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, वो स्टिकी नहीं होते हैं। अगर पानी अच्छे से डाला है कलर मिक्स करके तो आपका कल कपड़ा एकदम कड़क नहीं दिखेगा, सॉफ्ट रहेगा, एकदम स्टिक हो जाता है, ठीक है।